बेटी है बेटा है। फर्स्ट मंथ लगना काफी डिफिकल्ट होता है। बेटी मेरी डाउनटाउन में रहती है। नाइस। आप यहाँ पे कहीं रहते हैं? मैं पिकरिंग में रहती हूँ। वो मेरी टीचर खुद मुझसे हॉट ऑयल हेयर मसाज कराती थी। सो नाइस। बोली तुम्हारे हाथों में कुछ अलग ही जादू है। होता है कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मेरे बिल्डिंग में ऊपर पहले जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ 2013 में, तो ये लोग हमको इतने अच्छे से वेलकम नहीं करते, राइट। फिर एक क्लाइंट आया, उसने मुझसे हॉट ऑयल हेयर मसाज करवाया। वो बोली उस लेडी के हाथों में तो जादू है। फिर धीरे धीरे सारे लोग आने लगे ऊपर से, क्योंकि ये सारे गोरे का होना उनको मसाज बहुत पसंद है। लेकिन गोरे जल्दी कराते नहीं, कराते नहीं है exactly। वो तो बाहर हॉट ऑयल हेयर मसाज का साइन देख के ही आ रहा है। फिर धीरे धीरे सारे क्लाइंट बिल्डअप होने लगे। वो आगे जो बैठती है फ्रंट डेस्क वाली लेडी, वो तो हमें सीधे मुँह देखती भी नहीं थी। फिर वो लेडी जो हॉट ऑयल हेयर मसाज करा के गई ना, उसने बोला कि वो इंडियन लेडी के हाथों में जादू है। तो फिर एक बार उससे हॉट ऑयल हेयर मसाज करवा के देखना। तभी जाती हूँ मैं पार्किंग में भी, तो अभी थोड़ा से अभी देख के थोड़ी स्माइल देती है। स्टार्टिंग के 3-4 साल तो स्माइल भी नहीं देती थी। हमको तो पता ही नहीं था जब बच्चों में फटाफट कुछ ना कुछ काम आता था, तो वो देखने का टाइम ही नहीं मिला भाई सेंसिटिव बॉडी हुई है नहीं हुई है। लेकिन कहाँ पे हुए थे आपके बच्चे? मैं तो इंडिया में हुए। इंडिया में तो वहाँ पे ज्यादा लुक आफ्टर करते हैं ना? कुछ नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा आगे चलो। मुझे लगा वहाँ पे ज्यादा करते हैं। कुछ भी नहीं, मम्मी के घर पे होते हैं तो करते हैं, नहीं तो नहीं। ससुराल में तो कौन देखेगा। करेक्ट। 5-5, 6-6 लोगों का ऐसा लगा। Thank you.
फूल तो नहीं हो रहे ना, हो रहे हैं तो आप अपने आप से कर खाली बंद ना माने। हाँ जस्ट तो निकाल दो क्योंकि आपके हिसाब से आपको करें। थैंक यू, नो प्रॉब्लम।